Okay, that's it. I'm sorry कि मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बोली. अब इसके बारे में सब कुछ भूल जाओ. और हाँ, मैं काउंसलर वाउंसलर के पास नहीं जाने वाली. ठीक है? कौन होगा वो इंसान जो हमारी बेटी को समझेगा? कोई तो होगा ना? Nishu, where is you? Oh ho, here is you. Nishu दी, दादाजी मान गए. अब से अमन दी इस घर में पूनम बन के रहेंगी. और वैसे भी मेरी खुद से शर्त लगी थी कि दादाजी नहीं मानेंगे और मैं हार गई. और इसीलिए उस शर्त से जो 100 रुपए मैंने खुद से जीते हैं ना, उससे मैं सबके लिए चॉकलेट लाई हूँ. तुझे जस्ट चेयर अप. कम से कम खाना तो अच्छा मिलेगा. कीर्ति दी, रूपन भाभी ना रोज मुझसे खाना बनवाती है और आप भी वही खाती हो. अरे मजा करो तुम. मैं बहुत खुश हूँ. आपको पता है उमेश भैया, चॉकलेट खाने से ना मूड ठीक हो जाता है, स्पेशली तब जब कोई प्यार से देता है. अरे कीर्ति, सबसे पहले कीर्ति रुक जा. लो देखा, लोगों को पकड़ने में मेरी कितनी प्रैक्टिकल्स हो गई है. पता है तुम लोगों को, सुमित ऐसे ही बहाने मार मार के अपने दोस्तों के पास भाग जाता है और मैं उसे पकड़ लेती हूँ. प्रैक्टिकल्स नहीं डॉली, प्रैक्टिस. हाँ भाई. वैसे हम इस चॉकलेट का करेंगे क्या? अब तो हम 7+1 हो गए हैं ना. अब से अमन हमें खिलाने वाली है, तो आज हम अमन को खिलाएंगे. चॉकलेट पिघल रही है, हम शेयर कर लें? क्या हुआ उमेश भैया, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है. समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे हैंडल करेंगे. फ्रैंकली बताऊं तो ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है. I mean, अमन इस घर में कुक की तरह आएगी. हाँ डॉली दी, अगर अमन को घर वालों ने वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो डिजर्व करती है तो हम अमन को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई उसे टच भी नहीं कर पाएगा. उमेश वो भी नहीं. अमन, तू इस सब के बारे में क्या सोचती है? तुझे बुरा नहीं लगा ना ये प्लान? देखो जी, लाइफ में हर बार सबको पूरी चॉकलेट तो नहीं मिलती. और अगर मैं इस घर की बहू होती तो ये सब काम तो करती ही. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लड्डू. प्लीज यार, घर की बहुएं सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती. चॉकलेट भी खत्म हो रही है, मुझे खानी है. पर अमन, अगर घर वालों ने तुम्हें बहू की तरह एक्सेप्ट नहीं किया तो? तो तब लगता कीर्ति जब घर वाले मुझे बिना चांस दिए ही रिजेक्ट कर देते. एटलीस्ट मुझे चांस तो मिल रहा है ना, बाकी किस्मत. चॉकलेट तो खत्म। गाइस, कुछ खत्म नहीं हुआ है, काम तो अभी शुरू हुआ है। हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हम दादी को पटा ले तो। You're right. I know, right? So come on, guys. Mission दादी को मनाना। माने, तुम सबके नाम के 10-10 रुपए दे दिए। अब तुम अपने दादाजी को बताना मत कि मैं सोपटी खा रही हूँ। लेकिन दादी, आज की डेट में 10 रुपए का क्या आता है? एक और सोपटी। अब तुम लोग मने ये बताओ कि मैंने यहाँ बुलाया क्यों? पर उससे पहले मैंने मारी बात पूरी कर ले इनको। देखो बेटा, जो खेल तुम लोग खेल रहे हो, मैं इस खेल में थारे साथ नहीं खेलूंगी, क्योंकि मैं थारे दादाजी से झूठ नहीं बोल सकती। तो दादी, आप हमारे साथ यहाँ? इसलिए बेटा कि मैं अपने बच्चा ने मौका दे सकूं कि अपनी सफाई में बता सके कि कर के रहे हैं वे। दादी, एक्चुअली है ना, दादी मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन पापा की तबीयत मेरी वजह से खराब नहीं हुई थी। मैं तो अभी बोलना शुरू भी नहीं किया था कि बेटा मैं थारा विश्वास करती हूँ कि मारी निगाह में थारे और वीरेंद्र में कोई फर्क नहीं है। पर बेटा विमला, उसने क्या समझाएगा? उनका दिल जीत गया। हाँ दादी, अमन को बस एक मौका चाहिए। दादी, हमारा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं है। दो लोग जो एक दूसरे को चाहते हैं, कि बस एक छोटी सी कोशिश है और कुछ नहीं। दादाजी और पापा का दिल जीतने की कोशिश। दादी, और शायद इस कोशिश के बाद वो लोग अमन को ठीक तरह से पहचान पाए और जाति और धर्म के अंतर को भूल जाए। दादी, तुम कितने भी बड़े हो गए, हमारे लिए वही मासूम बच्चे। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ दादी, पर फिर भी हमें एक मौका मिलना चाहिए। मानी जी, मेरा इम्तिहान है आपके परिवार के साथ एडजस्ट करने का, उन्हें अपना बनाने का इम्तिहान। दादी, मैं अंकल की सेवा करूँगी, उनका दिल जीतूँगी, और दिल के सामने जाति और धर्म मायने नहीं रखते। दादी, हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। अगर इन 30 दिनों में हम घर वालों का दिल नहीं जीत पाए तो दादी मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अमन से कभी नहीं मिलूंगा। मैं नहीं उमेश, हम वादा करते हैं कि हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। पर बेटा तू जो हमारे घर आ रही है, इसमें तो सिर्फ अपना नाम लेकर नहीं आ रही, पिताजी का भी नाम जोड़ा है। उनकी इज्जत थारे हाथ में। और बेटा मने ये ठीक ना लग रहा है कि तू एक खाना बनाने वाली लड़की की तरह हमारे घर आ रही। दादी, मैं अपने पापा के साथ भी खाना बनाती थी ना। दादी, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर लूं या कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरा या मेरे पापा का नाम खराब हो। दादी, और वैसे भी हम सब कजिन्स ने प्रॉमिस किया है कि हम कभी भी अमन को ऐसी पोजीशन में आने नहीं देंगे जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। दादी प्लीज, एक आप ही हो जो ये कर सकती है। प्लीज दादी, प्लीज दादी। दादी, आप जितनी कहेंगे ना उतनी सॉफ्टीज खिलाएंगे। प्लीज दादी, मान जाइए ना। प्लीज दादी, आप ही कहती है ना कि जो दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज मान जाओ। अरे भाई, सॉफ्टी वाले एक सॉफ्टी और दियो। यहाँ तो सोचते सोचते सारा टेस्ट ही खत्म हो गया। पता कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि गलत, पर दो बातें कहना चाहूंगी। पहली तो ये बेटा कि हम लोग बड़े हो गए, माँ ने तो मना लिया, पर घर के और लोगों को मनाना आसान काम नहीं है। और दूसरी बात ये है बेटा, ये सॉफ्टी बड़ी अच्छी। इसका मतलब आप मान गए दादी? सिर्फ प्लीज। थैंक यू दादी, थैंक यू दादी। एक और देना। हम उन्हें समझा देंगे ताजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ जो भी होता है हम उस पर नजर रखते हैं। थैंक यू ताजी। मिस निशा, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। आप ठीक है? यस सर। आर यू श्योर? यस सर, बिल्कुल 100%। तो फिर ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। ये फाइल है। जानती हूँ सर। हमारी बात तो खत्म होने दीजिए। सॉरी सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें लक्ष्य एकेडमी के फाइनेंशियल प्लान्स हैं, जो हम फाइनेंशियल मीटिंग में प्रेजेंट करने वाले हैं। अगर ये फाइल गई तो इसके साथ साथ लक्ष्य एकेडमी का फ्यूचर भी चला जाएगा। इसे हम हमारे टॉप ड्रॉ में रखें। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई रिपीट, किसी को नहीं। यस सर। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है, सेंट्रल मैटर है। ओके सर। गुड। अभी अगर आप समझ ही गई है तो हमारे कुछ सवालों के आंसर दीजिए। यस सर। फाइल कहाँ है? टॉप ड्रॉ में। चाबी? सेफ में। सेफ की चाबी मेरे पास। प्रैक्टिस के लिए रेडी है। राइफल्स? क्लीनिंग और सर्विसिंग दोनों हो चुकी है। क्या आप ठीक है? नो सर। आई मीन यस सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मिस निशा, चलिए प्रैक्टिस के लिए। यस सर। मिस निशा। यस सर। हमसे पंगा लेने वालों, अब दिखाएंगे हम तुम्हें अपना असली रूप। So, एकता, इस वीकेंड का क्या प्लान है? मैं सोची थी हमें इस बार कहीं नई जगह जाना चाहिए, यू नो समवेयर वाइल्ड। कहाँ जा सकते हैं हम, बताओ ना। Excuse me, मैं तुमसे इतनी देर से बातें कर रही हूँ और तुम हो के 1 किलोमीटर दूर भाग रही हो मुझसे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम मुझसे नहीं तुमसे आ रही है, और वो भी बहुत ज्यादा। What? तुम पागल तो नहीं होगी हो? यहाँ पे ना सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम हमने लगाया है। तुम्हें पता भी है इस परफ्यूम की स्मेल गोबर की तरह है। What? क्या हुआ? तो हंस क्यों रहा? 2 मिनट रुक, बहुत मजा आएगा। देख। It's impossible. स्मेल तो मुझसे ही आ रही है, लेकिन मैं इतना गंदा स्मेल कैसे कर सकती हूँ? मेरा टिश्यू कहाँ है? कुछ मिला? तेरी शक्ल क्यों बदल गई? अगर वो इंसान हमें मिल जाए जिसने ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओए, कैसा लगा निशा? पागल, तूने ये क्यों किया? ठीक नहीं है यार। यार ये कुछ भी करे तो सब ठीक है, किसी को तो इन्हें मजा चखाना पड़ेगा ना। ओह माय माय, हो क्या रहा है यहाँ पे? कोई नया फैशन है क्या? पूरी एकेडमी कार शेड की तरह स्मेल कर रही है। एग्जैक्टली कहाँ हाथ डाल के आई हो? मॉम प्लीज बस करो आप। मुझे पता है ये किसने किया है और मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हो रहा है ये सब? ये आपके स्कूल की कैंटीन नहीं है। ये मेस साफ कीजिए और बंद कीजिए तमाशा। Really girls, Chanel No. 5, I need you darling. कभी भी कोई बात शेयर करना चाहती हो तो यू मोर देन वेलकम। जितना तू अपने डर से भागेगी ना, उतने वो तेरे पीछे भागेगी। सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी राइफल छूने की? कहीं तुम भूल तो नहीं गई हो कि इस एकेडमी की तुम एक छोटी सी नौकर हो। अपनी औकात मत भूलना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।